ये किताब बुनियादी तौर पर मुझे वक्त है कि बहुत देर से आई है। ये किताब यहाँ के जो ज़ियारात हैं और खानका हैं उनमें इबादत का तो एक सिलसिला है ही, और जो हम जाते रहते हैं, एक अहम पहलू इनका है इनमें जो आर्ट है और जो आर्किटेक्चर है। बदकिस्मती से आज तक ये आर्ट और आर्किटेक्चर नुमाया नहीं किया गया। वो इसलिए भी नहीं हुआ कि इसकी बहतात बहुत थी यहाँ। हमने खानकाह शाह हमदान से शुरू करके ये पाया कि खानकाह शाह हमदान में जो कश्मीर में पिछले 500 सालों में बेहतरीन काम आर्किटेक्चर और आर्ट में हुआ है वो इस खानकाह में आप देख पाएंगे। वो फिर ये खानकाह एक लैंडमार्क बन गया, एक बेंचमार्क बन गया। उसके बाद गाँव में, शहरों में जहाँ भी बाकी ज़ियारत बनी उसमें ये आर्ट आ गया। उस आर्ट का मैथमेटिक्स है, इस आर्ट में साइंस है, इस आर्ट में बाकी सारी चीज़ें हैं जो दुनिया के बाकी रिलीजियस और सेकुलर या पब्लिक आर्ट में हैं। इसमें कमी इस चीज़ की, इसको उस तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था। तो डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा सिर्फ यही नहीं है कि हम प्रिजर्व करते हैं या दिखाते हैं ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा ये भी है कि आप एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं या इंट्रोगेट करते हैं एक प्रोसेस को कि हमने ये जो बनाया ये हमारे पास कहाँ से आया और हमने इसको कैसे डील किया या हैंडल किया और अपना ये कश्मीरी तरह इसमें कैसे दे दी। तो ये किताब बुनियादी तौर पर यही चीज़ें दिखा रही है। नहीं, अभी जो ये बुक है अगर आप देखेंगे ये यू नो पोस्ट इस्लामिक आर्किटेक्चर जो हमारे यहाँ है जिसके साथ हमें डायरेक्ट वाबस्तगी है, इसको डॉक्यूमेंट किया गया है। जितने भी हमारे श्राइन्स हैं, मॉस्क्स हैं, उनके जो नो आर्किटेक्चरल जो वैल्यूज़ है उनको हाईलाइट किया गया है। और मुझे लगता है ये जो आउटरीच है ये सारे जम्मू कश्मीर लद्दाख यू नो जितने भी हमारे और भी श्राइन्स हैं और भी मोनूमेंट्स हैं, हर एक यू नो मोनूमेंट या श्राइन या मॉस्क को मेरे ख्याल से डिजिटलाइज करना चाहिए और इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। अभी बिल्कुल यू नो बहुत काम करना है। जैसे मैंने कहा कि हमारी जो हिस्ट्री है यू नो इफ यू लुक एट द कल्चरल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री दैट इज़ अबाउट 5000 ईयर्स, तो ये एक बहुत ही छोटा पीरियड है जिसको डॉक्यूमेंट किया गया है। मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट यू नो 90% जो है और बाकी है जो जिस पर काम करना है।